हेलो फ्रेंड्स, मैं जया लाइट हाउस सोल्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ज़ीबू सिंबल्स के बेनिफिट्स बताऊंगी। जैसा कि मैंने कई वीडियोस में बताया कि ये सिंबल्स जो है एंजेलिक सिंबोलॉजी के थ्रू डेबी अल्मस्टेड को मिले थे उनके रेकी मेडिटेशंस के दौरान। ठीक है, सो उन्हें एंजल ज़ेफिरिन का मैसेज था कि ये सिंबल्स जो है ये उन्हें जो कोई भी ह्यूमन इसे यूज करेंगे उन्हें ये असिस्ट करेंगे अवेकनिंग प्रोसेस में, उनका ट्रू पर्पस क्या है लाइफ का अर्थ प्लेन में उसको जानने में ये हेल्प करेंगे। ठीक है, दूसरा कि ये जो मेमोरीज है, जब हम अर्थ पे बर्थ लेते हैं तो हमारी मेमोरीज वाइप्ड आउट रहती है। मीन्स हमारा जो भी भगवान के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या डील हुई है, ठीक है, वो सब हम भूल चुके रहते हैं। सो वो मेमोरीज को रीइग्नाइट करने में ये सिंबल्स हेल्प करते हैं। फिर हमारा लाइफ में जो रोल प्ले है, जैसे कि एक थिएटर में रोल प्ले करते कोई ड्रामा में, सेम है इस लाइफ में हमारा क्या रोल प्ले करना है वो याद दिलाने में ये हेल्प करते हैं सिंबल्स। फिर उसके बाद फिर जो पजल्स है, जैसे लाइफ में जो पजल कई बार आप पजल सॉल्व करते हुए तो छोटे छोटे पीसेस से आप पूरी एक पिक्चर बना लेते हो, सिमिलरली इस हमारी जो लाइफ है, इस लाइफ का पजल जो है उसको पूरे पीसेस फिट करने में हेल्प करता है। एंड जैसे जैसे आप पीसेस फिट करते जाओगे आपके लाइफ के, आपका एनर्जी लेवल हाई होता जाएगा, मीन्स आपकी पॉजिटिविटी जो है बढ़ते जाएगी एंड आपका इंट्यूशन भी स्ट्रांग होता जाएगा। उसके बाद ये सिंबल्स यूज करने से आपके जो जो भी हिडन ट्रेजर है आपके लाइफ से रिलेटेड उसे अनलॉक करने में आप सफल हो सकते हो। ठीक है, जो भी मेमोरीज है जो हिडन जो वाइप आउट हो चुकी है इस लाइफ में आने के बाद, बर्थ लेने के बाद, वो सब अनलॉक करने में भी ये हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, और एक चीज कि एक बार जब अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तो वो रुकती नहीं है, वो एक एक स्टेप आप ऊपर चलते चले जाते हो आपके लाइफ पाथ में। सो ये सिंबल्स बहुत हेल्प करते हैं उसमें। ठीक है, दूसरा ये सिंबल्स जो है हेल्प करते हैं आपको आपके गार्जियन एंजल से अलाइनमेंट करने में, आपको कनेक्ट करने में। मीन्स जैसे कि हम सभी के गार्जियन एंजल्स होते हैं, कई अलग अलग फेज में अलग अलग गार्जियन एंजल्स होते हैं हमारे लाइफ में। सो उनसे हम जो कनेक्टेड रहते हैं, सभी कनेक्टेड रहते हैं, बट उस कनेक्शन को और स्ट्रांग करने में ये सिंबल्स बहुत हेल्प करते हैं। फिर जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, एंग्जाइटी में हो, डिस्ट्रेस में हो, उस समय ये सिंबल्स यूज करके आपको स्टेबिलिटी फील होती है, प्रोवाइड होती है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको आपके लाइफ में क्लैरिटी और फोकस चाहिए हो तो भी ये सिंबल्स उनसे रिलेटेड, मींस सारे 88 सिंबल्स है हर एक इवेंट सिचुएशन से रिलेटेड। सो आप जिस सिंबल की तरफ खींचे चले जाओ उस सिंबल को आप यूज करके देखो एंड उसकी एंजेलिक एनर्जी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। सो आपको जो अट्रैक्ट कर जाए सिंबल, या जो उस समय लगे कि मुझे हीलिंग की जरूरत है या मेरे अंदर बहुत नेगेटिविटी है, तो नेगेटिविटी रिलीज करने के लिए रिलीज सिंबल यूज कर सकते हैं। सो ऐसे अलग अलग सिंबल्स अलग अलग इमोशंस के लिए, सिचुएशंस के लिए आप यूज कर सकते हैं और अपना एनर्जी लेवल हाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये गुड हेल्थ प्रोवाइड करने में भी हेल्प करते हैं, बिकॉज ये एक बैलेंस बनाने में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। फिर सबसे मेजर पार्ट मैं आपको बताऊंगी कि जब आप ज़ीबू सिंबल्स यूज करते हैं सो आप उनको यूज करने के पहले प्रेयर्स जरूर करें, क्योंकि एंजल्स इतने प्यारे, इतने लविंग बीइंग्स होते हैं जो केवल लव स्प्रेड करते हैं, काइंडनेस स्प्रेड करते हैं। उनका काम ही यही होता है कि पूरे वर्ल्ड में जिनको जरूरत है वहां वो पहुंच जाते हैं, बट उनका मेन कंडीशन ये रहता है कि वो खुद से हेल्प नहीं कर सकते। जब तक के आप उनको हेल्प नहीं मांगोगे वो हेल्प नहीं प्रोवाइड कर सकते। सो हमें क्या करना है, हमारे पास खजाना पड़ा है पर हमको पता ही नहीं कि हमारे पास खजाना रखा हुआ है। सिमिलरली हमें केवल एंजल्स से प्रेयर्स करने हैं कि प्लीज आप आइए हमें मदद करिए। आप कई बार देखिएगा लाइफ में आप डिफिकल्ट सिचुएशन में रहते हो, आप प्रे करते हो कि प्लीज कहीं से कुछ मुझे मदद मिल जाए, एंड इमीडिएटली किसी न किसी रूप में कोई या तो आ जाता है आपको हेल्प दे के निकल भी जाता है, बाद में आप उसको थैंक्स करते हो कि भाई अच्छा हो गया वो पर्सन आ गया जो हमको हेल्प मिल गई। सो एंजल्स ये सारे एंजल्स का काम रहता है ये सारे हेल्प प्रोवाइड करना। सो वी शुड बी थैंकफुल पहले और बाद में, दोनों समय ज़ीबू सिंबल्स यूज करने के पहले भी आप एंजल्स से प्रेयर करो और बाद में उन्हें एक डीप
सिंसियर थैंक्स प्रोवाइड करो, उन्हें ऑनर करो कि उनकी हीलिंग हमें मिल रही है, हम इतने लकी हैं कि हमें वो सारी हीलिंग्स मिल रही है, इसलिए हम उन्हें थैंक्स करते हैं। थैंक यू।